शासकीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय पात्रा जी से कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी। सभी पत्रकार मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। एक कम समय के अंदर मैसेज प्राप्त करने के बाद भी आप लोग आए और एक महत्वपूर्ण विषय में इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। यह विषय कॉन्फ्रेंटेशन का नहीं है, यह विषय भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, बसपा, इनके बीच के भेदभाव का विषय नहीं है। यह विषय एक ऐसा तार है जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, इस देश के सभी नागरिकों को, इस देश के सभी भावनाओं को एक तार में पिरोने का काम करती है। यह विषय तिरंगे का है, इसलिए आज किसी पे आक्षेप नहीं, आज किसी पे आरोप नहीं, आज कोई लड़ाई नहीं। आज प्यार के साथ इस विषय को मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि तिरंगे पे अधिकार सभी का एक बराबर है। आप सभी जानते हैं कि अब हम 15 अगस्त की तरफ बढ़ रहे हैं, और यह जो 15 अगस्त इस बार का है, एक उत्सव के माहौल के साथ हर साल तो आता है, मगर कहीं न कहीं एक दुगुने उत्सव के साथ आ रहा है, क्योंकि देश अपनी आजादी, अपने स्वतंत्रता, अपने स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, यह आजादी के अमृत महोत्सव का समय है। एक वर्ष का कालखंड जो आने वाला है वो आजादी का अमृत महोत्सव, और 25 वर्ष का कालखंड आजादी के अमृत वेला का है। ऐसे में कभी कभी मन में पीड़ा होती है, मन में दुख होता है, यदि किसी प्रकार की राजनीति को इस पावन कार्यक्रम में हम प्रवेश करवाते हैं। अभी आप सबने मन की बात में सुना, आप सबने इससे पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी के ट्विटर में देखा, उनके अपील को पढ़ा, सुना कि इस पावन अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम, यह पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, यह सरकार का कार्यक्रम है। हर घर तिरंगा, किस प्रकार से हिंदुस्तान के 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का काम हिंदुस्तान करे, यह पावन कार्य सरकार ने अपने कंधों पर लिया है। और याद रहे कि सरकार हम सबको लेकर बनती है, वी ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ दिस गवर्नमेंट, व्हिच इज आवर गवर्नमेंट। इसलिए जब आज तिरंगा बाइक रैली दिल्ली में हुई, आप सभी जानते हैं, ये आह्वान मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड कल्चर, ये जो मिनिस्ट्री है पार्लियामेंट्री अफेयर्स का और कल्चर का, ये भारत की एक सरकार का विंग है, एक मिनिस्ट्री है। इन्होंने आह्वान दिया था कि आओ मिलकर तिरंगा बाइक रैली दिल्ली में करें, और इसका फ्लैग ऑफ, इसका जो शुभारंभ है, ये वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन श्री वेंकैया नायडू जी के हाथों से हुआ, क्योंकि एक पॉलिटिकली न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। आज मैं माननीय प्रहलाद जोशी जी को भी सुन रहा था, वो भी कह रहे थे कि हमने किसी मंत्री को वहां नहीं भेजा मंच के ऊपर फ्लैग ऑफ करने के लिए, क्योंकि ये किसी पार्टी का नहीं है, ये पार्टी न्यूट्रल कार्यक्रम है। इसलिए माननीय वेंकैया नायडू जी मंच पे मौजूद थे, जो कि पार्टी न्यूट्रल है, जो कि उपराष्ट्रपति हैं देश के, राज्यसभा के चेयरपर्सन है, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया। और एक चिट्ठी हर सांसद को गया था कि आप सब इसमें भाग लेने आए, इसकी गरिमा बढ़ाएं, एक संदेश समग्र देश को भेजने का काम करें। मैसेज शुड बी सेंट बाय आवर कोट अनकोट महामहिम, जिनको हमने चुन के भेजा है, जो हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव है, वो हम सबको एक मैसेज देके आई है, हमारे घर पे तिरंगा फहराए। मगर सुबह से हम टीवी पे देख रहे हैं, मीडिया में सुन रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पर राजनीति हो रही है, बहुत सारे बयान आए, इसमें बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इत्यादि का नाम लिए बगैर केवल हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे हम कि तिरंगा हर किसी का है। अगर सभी सांसद इसमें भाग लेते और बिना पार्टी लाइन के, डिफरेंशिएशन के भाग लेते, ये वैमनस्यता कि मैं किस पार्टी का हूं और वो किस पार्टी का है, सरकार किस पार्टी के है, आह्वान किसने किया है और मैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का हूं, ये बाकी कार्यक्रमों में करना संभवतः लगता है कि हम समझ सकते हैं, मगर तिरंगे को लेकर इस प्रकार की पार्थक्यता, उसको कंपार्टमेंट में बांटना,
यह उचित नहीं है। और हम भी आज चाहते हैं कि सकारात्मक रूप से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें बिना किसी को कटघरे में खड़ा कर दिए, बिकॉज ये अपील है। हम भी राजनीति नहीं चाहते। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान रहा था 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराना है और इसके लिए सबका पावर हाथ लगे। और जैसे कि बार बार प्रधानमंत्री ने कहा है, राष्ट्रनीति राजनीति से ऊपर राष्ट्रनीति है। ये तिरंगा किसी पार्टी का नहीं, तिरंगा राष्ट्र का है। तिरंगा फहराना है, हर घर में तिरंगा फहराना है, यह किसी पार्टी की लड़ाई नहीं हो सकती है, यह राष्ट्र की लड़ाई है। दिस इज द डिजायर ऑफ द नेशन। उसमें इस महायज्ञ में हम सब, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी आहुति दे रही है, हम तो कांग्रेस से भी और बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी कहेंगे, राजनीति छोड़िए, इस महायज्ञ में आप भी अपनी आहुति डालिए ताकि देश एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सके। आज मैं कई नेताओं के बयान को सुन रहा था, अधीर रंजन चौधरी जी को भी सुन रहा था। वो सम्माननीय एलओपी हैं, बड़ी पार्टी के एलओपी हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब उन्होंने पूछा कि फ्लैग कोड क्यों बदल दिया, अधीर जी को भी मैं जवाब देना चाहूंगा और जो पॉलिटिकल पार्टीज या जो लोग व्यक्तिगत रूप से भी इन विषयों को लेकर राजनीति करना चाहते हैं, सोचिए जरा, आज से पहले इस प्रकार का प्रयास हिंदुस्तान में नहीं हुआ कि 20 करोड़ घरों पर झंडा फहराने का एक पहल की जाए। स्वाभाविक है, जब इतने बड़े रूप में पूरे देश में विद द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, एक राष्ट्रीयता के भाव के साथ हर हाथ में झंडा अपने घर के लिए होगा, हर घर तिरंगा फहराएगा, तो कहीं ना कहीं फ्लैग कोड में परिवर्तन करना पड़ेगा, वरना इस प्रकार के बड़े मुहिम को स्थान नहीं दिया जा सकता, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इसलिए फ्लैग कोड में परिवर्तन किया गया है ताकि हर भारतीय बड़े गर्व के साथ तिरंगा को अपनाए और अपने घर पर तिरंगा फहराए। इंटेंशन इज टू स्प्रेड द वैल्यू ऑफ नेशनलिज्म, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, इसलिए फ्लैग कोड में परिवर्तन किया गया है। दूसरा विषय, अधीर रंजन चौधरी जी ने यह भी कहा कि नेशनल हेराल्ड पर ईडी अपनी चढ़ाई करे, रेड करे और हम झंडा फहराएं। मुझे लगता है नेशनल हेराल्ड, भ्रष्टाचार, करप्शन, ईडी, उसके साथ नेशनल फ्लैग को जोड़ के देखना ये उचित नहीं होगा। मैंने कहा फ्रॉम दिस हाई टेबल बीजेपी डज नॉट वांट टू पॉलिटिसाइज दिस इशू, वी डोंट वांट टू अटैक एनीवन, हम किसी को अटैक पॉलिटिकली इस विषय पे लेकर नहीं करना चाहते हैं। इसलिए सभी ने निवेदन कि प्लीज अधीर रंजन जी, इसमें नेशनल हेराल्ड और ईडी को लेकर आने की हमें नहीं लगता है कोई आवश्यकता नहीं है। वी शुड ऑल रिफ्रेन, वी मे बी बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट वी शुड ऑल रिफ्रेन फ्रॉम पॉलिटिसाइजिंग द इशू। सफीकुर रहमान बर्ग भी पार्लियामेंट के गेट के पास ही, बिल्कुल पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर वाइट दे रहे थे और कह रहे थे झंडा फहराना कोई प्रतीक नहीं होता है देशभक्ति का। उन्हें भी सम्मान, हम यहां समाजवादी पार्टी पे भी आक्रमण किए बगैर, देखिए बहुत सोच समझ कर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं और हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने प्रतीक बनाए। झंडा एक प्रतीक है, नेशनल एंथम एक प्रतीक है, नेशनल एंथम गाते समय खड़े होना एक प्रतीक है। भाव तो हृदय में होता है, वो तो दिल में होता है, मगर जब तक हम इन प्रतीकों की मान्यता नहीं रखे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसकी हम सम्मान कैसे करें, उसका हम रेस्पेक्ट कैसे करें। इसलिए प्रतीक भी महत्वपूर्ण है और भाव भी महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों को लेकर आगे चलना है। और सफीकुर रहमान बर्ग कह रहे थे काम करना पड़ेगा, काम करने से ही देशभक्ति आगे बढ़ता है। बर्ग साहब, चौधरी साहब, इस सरकार ने काम किया है, आपकी सरकार है, सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया ने किया है, पार्टी का विषय नहीं है, इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पूरे विश्व में हमारा जो राजनीतिक सूझबूझ है, हमारे देश की राजनीतिक सूझबूझ, सक्रियता, प्रोएक्टिविटी, उसके साथ हमारा सैन्य बल, इसका प्रतीक था, इसका एक हमने देखा, उदाहरण देखा सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में, एयर स्ट्राइक के रूप में। देशभक्ति की कोई कमी नहीं है, हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, मगर मिल करके
क्या हम इस विषय को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? क्या हम इस विषय को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? सिर्फ हम इतना ही कहना चाहते हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के 200 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाते हैं, यह तो देशभक्ति का काम है। कोरोना के समय दो देश में इंडिजिनस इंडियन मेड वैक्सीन और उस वैक्सीन को घर घर तक पहुंचाने का काम, हर व्यक्ति को तीन तीन डोज लगाने का काम, Be Indian and let's celebrate India through Azadi Ka Amrit Mahotsav and Har 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 Tiranga Abhiyan. Thank you so much. Koi iske prashn ho to avashya puchhe. देखिए जनता सब जानती है, जनता सा पहचानती है। जैसे मैंने आपको कहा कि अधीरंजन चौधरी हो या बर्क साहब हो या कोई और हो, आज इस पावन विषय को लेकर हम उन पर अटैक नहीं करेंगे, मगर हाथ जोड़ कहेंगे जनता बिल्कुल सब जानती है। तभी तो 8 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। कौन देश के लिए ठीक काम कर रहा है, कौन देश के लिए उचित है, कौन देश को आगे बढ़ा सकता है, इन सब विषयों को लेकर जनता जानती है। तिरंगे का क्या महत्व है? आज हम आर्गुमेंट क्यों पढ़े? तिरंगे का महत्व है, यह देश का नेशनल फ्लैग है। हम इसको मिलकर फहरा नहीं सकते क्या? 20 करोड़ घरों में क्या कांग्रेस को लगता है कि वो अपने घर के ऊपर, अपने अधीरंजन चौधरी जी अपने घर के ऊपर उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या अपील कर देंगे तो छोटे हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये बीजेपी का झंडा नहीं है। कल माननीय नड्डा जी ने, ये हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, मगर वो होने हमारे पार्टी की तरफ से अपील किए पूरे देशवासियों को। अगर कांग्रेस की अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ऐसे अपील कर दे तो कांग्रेस छोटी नहीं हो जाएगी, देश का झंडा है, बीजेपी का झंडा नहीं। कल माननीय नड्डा जी ने वो ये नहीं कहा कि बीजेपी का झंडा फहराया, उन्होंने तिरंगे का कहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी आगे आए कि तू में विषय ही नहीं है। गर्व होता है कि आज उस महिला को, उस व्यक्ति को मौका मिला है जो अंतिम पायदान पर खड़ा था। परिवार तो शुरू से ही उनका पॉलिटिकल परिवार है। मुझे लगता है बाकियों को भी मौका राहुल गांधी को देना चाहिए। अगर उनके सारे कार्यकर्ता तिरंगा लेकर खड़े होकर अपना डीपी डाले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, सबको मौका मिलेगा तिरंगे के साथ साथ फोटो आगे बढ़ाने का। बात आज लोग नहीं सही सकते क्योंकि उन्होंने
देखिए हम लोग सब पॉलिटिशियंस जो हैं, खास के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो एमएलए हैं, इनको जनता माननीय क्यों कहती है? क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के, करोड़ों लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है। तो एक मैच्योरिटी के साथ हम सब बिहेव करें, ये हमारा कर्तव्य दायित्व है। स्वाभाविक रूप से मुझे नहीं पता अधीरन चौधरी को कुछ मिली नहीं मिली, बस पार्लियामेंट के अफेयर्स के साथ पॉलिटिकल पार्टी जुड़ी नहीं हुई होती है। मिला होगा जरूर, फोन गया होगा, चिट्ठी मिली होगी, ऐसा सब हुआ होगा। मैं तो कहता हूं, अगर मुझे कोई कहे कि बाहर तिरंगा यात्रा हो रहा है, तो बिना चिट्ठी के चला चला जाऊंगा। तिरंगा यात्रा हमारे देश की यात्रा में भाग लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो जाए, मैं तो गदगद हो जाऊंगा, आप भी गदगद हो जाएंगे। इसलिए इसमें छोटी पॉलिटिक्स हम लोगों में से किसी को भी ये मौका या प्लेटफॉर्म अधीरन चौधरी जी पर किसी प्रकार का राजनीतिक कटाक्ष करने का नहीं है। मुझे लगता है हम सब वी शुड लिसन टू द वॉइस ऑफ आवर कॉन्शियस इंडियन आफ्टर ऑल। तो हमारी हमारी की आवाज क्या है? हमारी दिल की आवाज है झंडा बुलंद रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मुझे लगता है अधीरन चौधरी जी का दिल दिल से पूछेंगे तो उनके दिल से भी यही आवाज आएगी। इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा जवाब दिया है विस्तार में, दोबारा बोलूं? दे दिया है जवाब। देखिए फ्लैग कोड में परिवर्तन किया गया, मैंने आपको बड़े स्पष्टता के साथ बताया क्या इंटेंशन है। 20 करोड़ रुपए का झंडा फहराना है तो स्वाभाविक रूप से बहुत मात्रा में झंडा की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तभी जाके हम इस प्रकार के अभियान को अंजाम दे पाएंगे। इस प्रकार का अभियान आजादी के पश्चात भारतवर्ष में पहली बार हो रहा है, इससे पहले कभी भी इस प्रकार का अभियान को अंजाम नहीं दिया गया। तो स्वाभाविक है जब जब इतने मात्रा में झंडा फहराना है तो कोड में परिवर्तन किए बगैर जब जब तक आप से मटेरियल में झंडा नहीं छापेंगे तब तक हर गरीब के घर तक झंडा नहीं पहुंचेगा। आप सोच के देखिए इंटेंशन क्या है। इंटेंशन है एवरी इंडियन शुड ओन अ फ्लैग एंड एवरी इंडियन शुड फील प्राउड अबाउट द फैक्ट दैट ही और शी हैज अ फ्लैग ओवर देयर होम। हर कोई इंटेंशन को जानता है। आप आज देख रहे हैं हर जगह जगह जेल के अंदर झंडे बनाए जाए जा रहे हैं। हर सेल्फ हेल्प जो है, जो महिलाओं का जो एनजीओज हैं, कितने हजारों हजारों आज एम्प्लॉयड हुए हैं इसके कारण, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, कितने लोगों के घर घर को एक 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 एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन का माध्यम मिला है। दिस इज इंडिया, आओ मिलकर काम करें, आओ मिलकर झंडा फहराएं, हर तिरंगा इस अभियान के माध्यम से। ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म है ही नहीं। फ्लैग कोड क्यों परिवर्तित किया गया? 20 करोड़ घरों तक पहुंचने के लिए परिवर्तित किया गया। पहले बहुत कम जगहों पर ही अलाउड होता था झंडा फहराना, अब चूंकि हर घर पे जाएगा तो स्वाभाविक है संभव भी होगा जब कोड में परिवर्तन होगा। बहुत बहुत